सर गूगल पर हम कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन कुछ भी सर्च करते हैं तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट है जो हमारे सामने आ जाती है। अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो क्या सर्टेनिटी है कि वो एकदम से वो भी ऊपर आ जाए, और वो अभी न्यू वेबसाइट है तो सर ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर, मेरे ये डाउट है सर। देखिए ऑब्वियसली ये पॉसिबल है अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो, ऐसा नहीं है ऑल्दो आपके पास में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, बट कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि गूगल नहीं डिसाइड करता, जो यूजर्स डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट दे रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको गूगल एल्गोरिदम्स को इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि आपका यूज़र क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, आपका यूज़र किन सर्विसेज को सर्च कर रहा है। अगर आप उसकी सर्च क्वेरी के हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो बेसिकली चांसेस ज़्यादा होते हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर रखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल के जो बॉट्स हैं जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे वो बेसिकली ये देखते हैं कि उनके जो यूज़र्स हैं जो उन्हें सर्च कर रहे हैं गूगल पे वो क्या सर्विस सर्च कर रहे हैं। अगर आप वो सर्विसेज दे रहे हो और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में, देखिए ऐसा होता है कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो हैं वो गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से काम कर रही हैं कि गूगल ने कहा इतनी फैंसी वेबसाइट बनानी है, इतना ऐसे करना है, ये लिंक्स करने हैं, वो सब गूगल बॉट्स के लिए ठीक है। बट अल्टीमेटली देखिए आपके पास में कोई विजिटर आ रहा है, अब वो कोई सर्विस सर्च कर रहा है, तो जितना कॉम्प्रिहेंसिव जितना ईजी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना वो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा रिटेन करेगा, उतनी वेबसाइट आपके चांसेज हैं कि वो ज़्यादा टॉप लेवल पे आएगी। अब इसके लिए देखो मैं एक सिंपल सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, साइलो स्ट्रक्चर, जो ज़्यादातर आजकल के जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो नहीं अप्लाई करते, वो गूगल एल्गोरिथम्स के पीछे भाग रहे हैं। साइलो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, देखिए ऐसा है दो चीज़ें हैं, जैसे दिस इज वेबसाइट ए दिस इज वेबसाइट बी। अब ए वेबसाइट ने एक फ्लैट स्ट्रक्चर बनाया है, मान लो वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अब हेल्थ सर्विसेज में उसने बहुत सारे पेजेस बनाए हैं जिसमें कंटेंट है बहुत सारा, और एक यूज़र अगर उनकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसे दूसरे वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, दूसरे पेज पे जाना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, फिर तीसरे पेज पे जाना पड़ रहा है, तो बेसिकली वो एंटेंगल्ड हो गया, वो एक पेज पे उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रही तो वो एंटेंगल्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर इसने बहुत अच्छी वेबसाइट भी बनाई है तो गूगल क्या करेगा कि यूजर एक्सपीरियंस तो नहीं है, यूजर तो शिफ्ट हो रहा है बिल्कुल, तो यहाँ से वो बाउंस रेट उसका बढ़ जाएगा, तो ये साइट नीचे चली जाएगी। अब बदले में आपकी बी साइट है जहाँ पे मैं बात कर रहा था साइलो स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली जो ये साइलो स्ट्रक्चर है ना ये साइलेज वर्ड से आया है, मतलब पहले क्या होता था कि जैसे काउज होती है ना तो उनके लिए चारा होता है, तो चारा ने एक सिलेंड्रिकल नीचे जैसे ये लैंड है तो लैंड में एक होल किया जाता था सिलेंड्रिकल और उसमें काफी सारा चारा स्टोर करके रखा जाता था। ओके तो साइलेज भी कुछ ऐसे ही तरह का है, इसमें आप क्या करते हैं आपके पास में टॉपिक्स हैं, आप टॉपिक्स को डीप डाउन कनेक्ट करते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस। ओह आई गेट इट राइट जी। आप जैसे बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने एक जैसे हाउ टू मेक टी जी, तो टी में आपने कहा हाउ टू मेक आइस टी, हाउ टू मेक दिस, और उसी पेज में आपने इंटरलिंकिंग करी है। ओके सर राइट तो आपके एक ही मतलब साइलो स्ट्रक्चर ऐसे जाता है वर्टिकल जाता है डाउनवर्ड्स, लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर जाता है आपका हॉरिजॉन्टल, तो जितना आपका स्ट्रक्चर डाउनवर्ड रहेगा तो आपके वेबसाइट पे मान लो एक कस्टमर आया वो फर्स्ट पेज पे विजिट किया उसने, आपका साइलो स्ट्रक्चर है तो सेकंड पेज डाउनवर्ड है तो फर्स्ट पेज पे ही सेकंड पेज की इंटरलिंकिंग। ओके सर तो बेसिकली जितना डीप डाउन आप अपने कस्टमर को रखेंगे, जितना एंटेंगल्ड आप उसको रखेंगे अपने उसमें बिजी रखेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से, उसी वे में गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा। तो मेरे हिसाब से साइलो स्ट्रक्चर जो है वो अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपको साइलो स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना चाहिए, और मोर ऑफन अगर मान लो आपका कीवर्ड है, आपका कीवर्ड है बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोटीन शेक्स सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, अब इस कीवर्ड पर आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर 10 वेबसाइट रैंक कर रही है और 11th आपकी न्यू है, आपने साइलो स्ट्रक्चर अच्छे से मेंटेन किया है जो कि यूज़र फ्रेंडली है, तो गूगल बॉट्स उन 10 में से आपकी वेबसाइट को प्रिविलेज देगा। ओके सर यस जी सर थैंक यू सर।